सहारनपुर में क्राइम ब्रांच थाना बिहारीगढ़ और थाना फतेहपुर की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नववर्ष के छठे दिन आज सहारनपुर क्राइम ब्रांच टीम ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में जहां एक बदमाश को पैर में गोली लगी तो दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल है। पकड़े गए बदमाश और घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। बिहारीगढ़ एसओ ने सूचना दी कि दो अपराधी जो है वहाँ से भागे हैं, जिस पर थाना फतेहपुर में एसओ ने और क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की थी और उसी दौरान वहाँ मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक अपराधी काशिफ वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल में यहाँ लाया गया है और मुठभेड़ के दौरान एक हमारा सिपाही भी जिसको गोली लगी, वो दोनों लोगों को इलाज के लिए यहाँ भेज दिया गया है। काशिफ जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उस पर 10,000 का इनाम जो है थाना बुरागांव से पहले से है और पूर्व में भी लूट और गौकसी के कई मामलों में वो जेल जा चुका है। राजधानी के लोगों का सिटी पार्क का सपना जल्द साकार होगा। सहस्त्र धारा रोड स्थित हेलीपैड के पास मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 14 हेक्टेयर जमीन में सिटी पार्क बनाएगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सिटी पार्क को देहरादून ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों के लिए पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। सहस्त्रधारा रोड पे अभी मुख्य सचिव महोदय की बैठक में ये हुआ है कि वहाँ की जो ज़मीन है लगभग 12 हेक्टेयर उसमें एमडीडीए पार्क बनाए, उसके लिए हमने लेटर भी 21 फॉर्म्स को भेजा है जिससे हम उनसे कंसेप्ट फाइन के लिए हमने मांगा है उनसे कि वो अपना कंसेप्ट हमें बताएं। इसके बाद फिर इसमें हम टेंडर वगैरह की प्रक्रिया करेंगे और फिर उसको हम फाइनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। ये बहुत ज़रूरत है देहरादून में कि एक अच्छा ग्रीन स्पेस डेवलप हो जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ जा सकें और छुट्टियों के दिन या इवनिंग के समय में एक क्वालिटी टाइम बिता सकें। उत्तराखंड के चमोली में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई 4 लोगों की जान। बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट में ओली से ऊपर गौरसा और कोरी पास है, वहाँ पर 4 पर्यटक ट्रैक के लिए गए थे और जब वो फंस गए और उनको रास्ता नहीं मिला और हाई अल्टीट्यूड की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से और काफ़ी बढ़ते ठंड की वजह से उनमें से 2 लोग काफ़ी सीरियस थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। तो एक ऐसे एरिया में जहाँ पर कि मोबाइल नेटवर्क है वहाँ से उन्होंने संपर्क साधा और डीजीपी सर ने वो नंबर हमें दिया था जिसके बेसिस पे हमने उनको ट्रैक किया, उनका लोकेशन देखा और हमारी टीम उनसे संपर्क साध के वहाँ रेस्क्यू के लिए गई, क्योंकि रात का समय था और तत्काल रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे जो हाई अल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू टीम है वो उस एरिया में लगभग 11:15 के आसपास रात को पहुंची और उनको रेस्क्यू करके नीचे लेके आए। अभी चारों की हालत ठीक है और जिस तरह से एसडीआरएफ के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया था उससे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ एसडीआरएफ को बनाया है उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हम लोग कामयाब रहे। देहरादून में आज प्रकाश पांडे नामक ट्रांसपोर्टर जहर खाकर जनता दरबार जा पहुंचा, जहाँ उसने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसका जवाब केवल यह आया कि आपकी समस्या सुन ली गई है। लेकिन आज ट्रांसपोर्टर ने चारों ओर से परेशान होकर जहर खा लिया और जनता दरबार जा पहुंचा, जहां अधिकारियों ने उसको जनता दरबार से बाहर निकाल दिया। इन ट्रांसपोर्टर द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसे उसने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के नाम लिखा है कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण उसका कारोबार ठप हो गया है और उसके अपने ट्रक और डंपर है जो कि उसने फाइनेंस पर लिए हुए हैं, जिनकी कई महीनों से किस्त नहीं गई और बच्चों की स्कूली फीस भी नहीं जा पाई। प्रकाश पांडे ने अपनी कई और अन्य समस्याओं से त्रस्त होकर जहर खा लिया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून।